हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत कर्मा के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। ये वर्ड मीनिंग आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है वो बंगाली मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों वर्सन के जो छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ये वर्ड मीनिंग देखते हैं। देख सकते हैं एक तरफ में आपका वर्ड दिया हुआ है, दूसरे बीच में आपका बंगाली मीनिंग है, वहीं किनारे की तरफ जो आपका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। अगर आप इन वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में उतार लीजिए और इसको भली भांति अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये जो आपका टेक्स्ट बुक होगा उसको समझने में आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर भी नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अन्य वीडियो जब हम इस चैनल पर छोड़े तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर हमारे इस चैनल को बढ़ चढ़ कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक तो अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सावास रे कोचिंग सेंटर यूट्यूब वीडियोस। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।